अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज ही हमारा 9.2 एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमें ये कहा गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब पहली बात हमें यह सीखनी है कि हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो 6 होते हैं। ज़रा क्वेश्चन की सुनहरियों को समझें और फिर आपको क्वेश्चन की अच्छी समझ आ जाएगी। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टैन थीटा। इसी तरह इनका उल्ट, साइन का उल्ट क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। कोस का उल्ट क्या होता है? सीकेंट थीटा। और टैन का उल्ट क्या होता है? कोट थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती हैं। यानी अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनमें कोई सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालो। देखें, इस काम को करने के लिए पहले आपको कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है। अब आपको पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आप अच्छे से जानते हैं, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। इसी तरह कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर सीकेंट थीटा। और टैन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोट थीटा। ये हमारे पास रेशियोज हैं। इसी तरह इनके जो रेसिप्रोकल हैं, अगर आप साइन को उल्टा दें तो कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा, और इसी तरह आपके पास सीकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोस थीटा, और इसी तरह कोट थीटा बराबर होता है 1 ओवर टेन थीटा। पहले तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 3 फार्मूले और हैं, बड़े आसान से फार्मूले, आपकी बुक में भी अवेलेबल हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो आपके पास 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इक्वल सीकेंड स्केयर थीटा, 1 प्लस कोर्स के थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्केयर थीटा। ये फार्मूले, यानी साइंस के थीटा प्लस कोर्स के थीटा इक्वल टू 1 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा, और 1 प्लस कोर्स के थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्केयर थीटा। ये 3 फार्मूले। यानी अच्छा, आपको एक और बात भी पता होनी चाहिए, टैन थीटा वैसे किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये भी हमें सिंपल सी बात पता है। इसी तरह साइन स्केयर थीटा जमा कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। और 1 प्लस टैन स्केयर थीटा इक्वल होता है, ज़रा देखें, सीकेंड स्केयर थीटा के, सीकेंड स्केयर थीटा। और 1 प्लस कोट स्केयर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्केयर थीटा के। अच्छा, ये आपको फार्मूला 1, 2, 3, ये 4, और ये तो सिंपल से फार्मूले हैं 6। यानी कि टोटल आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल से 4 और 6 10, यानी कि टोटल 7 फार्मूले बनते हैं। वो तो दूसरे ऊपर वाले जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, टैन को इधर ले आओ तो कोट बन जाएगा, कोट को इधर ले आओ टैन बन जाएगा। बेसिकली आपके 7 फार्मूले हैं जिनको आपने टोटल यूज़ करना है, ठीक है। बड़े आसान फार्मूले हैं, बड़ा आसान सा काम है, और बड़ा ही सिंपल सा आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कि हमारे पास क्या स्टेटमेंट आती है। लिटिल वेट, हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली टास्क में सॉल्व करना है। ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 आता है और आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है हमारे पास। हमें ये कहा गया कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन गिवन है। अब आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक की रिमेनिंग वैल्यूज कौन सी रह गई हैं, कोस थीटा, और इसी तरह टैन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ये हमें बाकी 5 वैल्यूज निकालनी है। हमें कोस साइन गिवन है। आपको ये कहा जाएगा कि साइन थीटा बराबर है 12/13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल्स लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये जो चीज़ गिवन होती है ना, ये इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब होता है कि आपने अपने जवाब के साथ प्लस लिखना या माइनस लिखना है, ये इसका मतलब है और कुछ भी नहीं। क्या मतलब है? अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा जा रहा है कि आपका जो साइन थीटा है वो लाइ कर रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट के आपने देख के अपने क्वेश्चन को हल करना है। क्या मतलब है? आपने जब सारा काम कर लेना ना, जो अलामत लगानी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लगानी है। अब आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलामत को अगर देखें तो हमारे पास ये जो देखें, साइन के साथ क्या होता है प्लस, कोसिकेंट के साथ क्या होता है प्लस। अगर आप हल करते हुए कहीं पर नेगेटिव भी आ जाए तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से प्लस लगा देना है, ठीक है। अगर इसी तरह आपको कहा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में, लेट्स सपोज
तो आपने थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से अलामत लगानी है, और कुछ भी मतलब नहीं थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का, जस्ट इसका मतलब यह है कि आपने अलामत जो लगानी है ना वो अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से लगानी है। अलामत मतलब जमा नफी की इनके साथ, साइन कोस टैन इनके साथ। अच्छा, अब आपके पास ये साइन की वैल्यू है 12/13, बाकी वैल्यूज निकालनी है। अब देखें स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास फार्मूले ये हैं। अगर हम ये फार्मूला देखें, वन साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं सॉल्यूशन। क्यों हमने ये यूज़ किया, हमारी मर्ज़ी है, आप कोई भी और यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एज साइन थीटा क्या गिवन है, साइन थीटा 12/13। अच्छा जी, हमें पता है, हम जानते हैं कि साइंस के या कोस के थीटा जमा साइंस के थीटा किसके इक्वल होता है, बोले भाई 1 के इक्वल। हमने कोस निकालना, साइन इधर चला जाएगा, कोस के थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ठीक, अब साइन की वैल्यू पुट कर दो, साइन की वैल्यू क्या 12/13, 12/13 इसका स्केयर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 144/169। आप इसका एलसीएम लोगे, 169 माइनस 144 ये आ जाएगा कोस स्केयर थीटा के। अच्छा जी, इसको हल करो डियर स्टूडेंट, कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा 169 में से 144 निकाले तो 25/169। अब आपको कोस की वैल्यू चाहिए, आप क्या लेंगे टेकिंग स्केयर रूट, तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा 125/169 स्केयर रूट। अब हमें पता है कि हम जब स्केयर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस की अलामत लगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट है, सवाल में देखें साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब है आपने सबके साथ क्या जवाब अलामत लगानी है प्लस की, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कोस बराबर आ जाएगा, कोस बराबर होगा हमारे पास 5/13 के। अब ये कोस की वैल्यू आ गई है, ठीक है, ओके जी स्टूडेंट, अब आपके पास कोस की वैल्यू आ चुकी है। साइन हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, साइन ऑलरेडी गिवन है 12/13 के। अब ज़रा देखें, साइन भी है कोस भी है, हमने टोटल वो सारी वैल्यूज निकालनी है। कोस का उल्ट क्या होता है, बोले भाई कोस का उल्ट होता है सीकेंट, तो सीकेंट क्या बन जाएगा, इसको उल्टा दो 13/5, सिंपल सी बात है। और साइन का उल्ट क्या होता है, आप कहोगे सर कोट सॉरी कोसीकेंट, तो आप क्या लगा देंगे, इसको उल्टा दें तो क्या बन जाएगा, कोसीकेंट थीटा बराबर होगा 13/12 के। यानी अब आपकी ये चार वैल्यूज़ हो गई हैं। मैंने कैसे उल्टाया, आपको पता होता है कि जो साइन थीटा है वो बराबर होता है 1/ कोसीकेंट थीटा के, तो कोसीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1/ साइन थीटा के। अब साइन की वैल्यू 12/13 है ना, तो 1/12/13 13 ऊपर चला जाएगा 13/12 आ जाएगा, ये आ गई। मतलब अगर कोस गिवन हो तो आप उसको उल्टा दो जो भी जवाब है तो आपके पास सीकेंट बन जाएगा, और साइन गिवन हो तो आप उसको उल्टा दो तो आपके पास कोस बन जाएगा, कोसीकेंट बन जाएगा, सॉरी साइन गिवन हो तो आप उसको उल्टा दो तो कोसीकेंट बन जाएगा, और कोस गिवन हो तो आप उसको उल्टा दो सीकेंट बन जाएगा। और अगर आपको इसी तरह सीकेंट गिवन हो, आप उसको उल्टा दो तो कोस बन जाएगा, मतलब जो भी सीकेंट को उल्ट यानी रेसिप्रोकल ले लें तो कोस का जवाब आ जाएगा, इसी तरह कोसीकेंट का रेसिप्रोकल ले लें तो आपको साइन आ जाएगा। अच्छा, ये तो दो बातें होगी। अब हमने टेन निकालना है, टेन किसके बराबर होता है, साइन बटा कोस के, साइन बटा कोस। अब साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है 12/13, कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/13, 13 से 13 कैंसिल हुआ, क्या जवाब है 12/5, ये टेन की वैल्यू आ गई। अब टेन का उल्ट क्या होता है कोट, तो कोट इसका मतलब टेन की वैल्यू लिख लें, टेन की वैल्यू क्या आई हमारे पास 12/5 के, ठीक है। अब टेन को उल्टा दो क्या बनता है कोट, उल्टा दें 5/12, ये कोट आ गया, तो आपके पास सारे सवाल कंप्लीट हुए। अब ये स्टूडेंट, अगर तो आप लास्ट में ली लिख सकते हैं द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज गिवन, या फिर आप जहाँ पे ये वैल्यूज निकालेंगे वहाँ पे सर्कल लगा दें, ठीक है, किसी और कलर के साथ। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उम्मीद है कि आपको समझ आएगा, इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स भी हम हल करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उस पर ये तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं।